शुरुआत करते हैं थैंक यू बोलने से। जितने लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं भी। और उम्मीद करता हूँ कोई जब नया देख रहा होगा, अगर कोई नया देख रहा होगा सब्सक्राइबर से हट के, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कारण मैं दूंगा इस वीडियो के एंड तक, आपको कारण पता चल जाएगा। और पहली चीज़ ये कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये साल कैसा गया, और आप लोग भी कमेंट बता सकते हो, बिल्कुल बताना, क्योंकि साल का आखिरी दिन है और पता चलना चाहिए कि इसका साल कैसा गया। मेरा साल जो लोग मुझसे रिलेटेड होंगे, फैमिली वाइज या फिर दोस्त या फिर, उनको पता होगा बहुत ही ख़राब गया। इस मई से लेके दिसंबर तक का जो महीना गया है, बिल्कुल हॉरिबल। और मैं बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूँ, बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि जनवरी आए और कुछ अच्छा हो। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पहले से पता होगा क्यों मेरा साल खराब गया, और डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में नहीं रखनी थी। इस वीडियो के थ्रू मैं नए सब्सक्राइबर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया का मैक्सिमम हिस्सा बिका हुआ है। सब पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ मैं कोबरा पोस्ट का जो वीडियो है ना, आपको सजेस्ट करता हूँ देखो ना, बहुत लोग देख चुके होंगे, उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया सबको, और वो देखने के बाद ही मेरा माइंड और ज़्यादा बदला। उसके पहले भी पता था मुझे कि मीडिया बिका हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल भरोसा ही हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, बड़े बड़े अथॉरिटीज मीडिया की करती हैं ये सब, तो जाहिर सी बात है कि तो होता ही होगा, फिर छोटों पे क्या होगा, जब बॉस ही करते हैं। मेरा ये पर्पज़ था इस चैनल को बनाने का कि आप लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना फैक्चुअल नॉलेज नेट से सर्च कर करके, ढूंढ के, कंपेयर करके, एक फिल्टर्ड वर्जन मतलब बिना फालतू की चीज़ें के। जैसे अब अगर आपको पता करना हो कि किसी की अरेस्ट हुई, पूरा पहले बायोडाटा लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे अरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस कारण। मेरी वीडियो में टू द पॉइंट चीज़ें होंगी और आज तक हुई हैं, तो इसलिए ये भी चैनल है। ये पहला कारण नहीं था, मेरा पहला और मेन कारण है कि जो मेरे जो सवाल हैं, जो एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर जो गाँव से, हर जगह से वाकिफ है, रोड पे जो क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो ये सारे सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने ठेका लिया है व्यवस्था का, गवर्नमेंट का, सुरक्षा का। तो इन शॉर्ट CM से, PM से, विधायक से, जो भी होते हैं, जिन लोगों ने कहा है कि हम लोगों को, हमको आप वोट दीजिए, हम भला करेंगे आपका, हम रोडें बनवा देंगे, हम पानी की सुविधा करेंगे, बिजली की सुविधा करेंगे ना, ब्ला ब्ला, उन लोगों से पूछना है मुझे, उन लोगों से इंटरव्यू लेना है और उनसे जवाब चाहिए। और पर्सनल इंटरव्यू में एक एक चीज़ उनको जवाब देनी पड़ेगी, एक एक मुद्दा मैं पूछूंगा अगर कभी मुझे मौका मिला तो, और उसी मौके की तलाश में हूँ, और इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि जब मैं अप्रोच करूँ तो कोई मना ना कर पाए और इंटरव्यू दे। तो दो कारणों के चैनल के बनाया, यही दो बस मेन कारण है। आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरा ये साल कैसा गया, बता दूँ मेरे लिए भी रहे कि एक रिकॉर्ड के फॉर्म में कि यूट्यूब पे वीडियो है, मैं कभी अपने बारे में जानना चाहूँगी, कभी ना कभी आते जाते मिल जाए, और जो देख रहा हो उससे ये कि जो 2018 है ना, एक तो पहली चीज़ पिछले एक दो सालों की तरह आजकल बहुत ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं सबको हो रहा होगा कि नहीं, अगर आपको भी हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि 2019 आए। नेगेटिव पॉइंट से वीडियो एंड नहीं करते हैं कि खराब गया, ये क्या हो गया, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। खैर, फिर से इस वीडियो के थ्रू एग्जिस्टिंग लोगों से थैंक यू कहना चाहता हूँ, नए लोगों को बताना चाहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगी, साथ में डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक पे, कोई भी अपनी राय देनी हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सुधार करता हूँ। अभी एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि म्यूजिक एडिटिंग है, मैंने वो म्यूजिक ही हटा दी, वो मेरी गलती से नहीं हुआ था, वो यूट्यूब की फॉल्ट की म्यूजिक की वॉल्यूम लो करने का सेटिंग वहीं तक दिया था, एक लिमिट थी कि उससे नीचे आप नहीं कर सकते, तो मैंने वो यूट्यूब से म्यूजिक हटा दिया, तो मतलब YouTube क्रिएटर स्टूडियो में जाकर मुझे बता दें, तो लोग मुझे सजेशन देते हैं, चाहे गाली के हों चाहे जैसे भी, मुझे बताते हैं कि ये बुराई है, यहाँ बायस हो रहे हो, यहाँ ये गलती हो, मैं हटा देता हूँ, चीज़ें सुधार लेता हूँ अगली वीडियो में। तो
किसी को प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से सुन लो कि आपको किसी भी चीज़ में मेरी फॉल्ट है कि आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर सुधारूंगा। यार ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है बात करके, कमेंट करके। कभी कभी कमेंट का सिलसिला इतना लंबा चल जाता है कि ऐसा लगता है किसी जानने वाले से बात कर रहा हूँ ये अभी, लेकिन नहीं होता। वो मैंने अभी बात की थी किसी पाकिस्तानी से, नसीरुद्दीन शाह के वीडियो पे उसने कमेंट किया और उससे लगभग समझ लो एक कमेंट किया और 27 कमेंट तक चला गया, मतलब कमेंट पे कमेंट 27 कमेंट हो गया वो। तो ऐसे ही और एंड में वो भी मुझसे एग्री कर गया, मैं भी उससे एग्री कर गया और दोनों के थॉट्स नॉर्मल हो गए। ठीक है, मैंने उस वीडियो में सुधार किया, एक नई वीडियो बनाई। धीरे धीरे ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं उन अथॉरिटी सेंटर में ले पाऊंगा जो जिन्होंने ठीक लिया हुआ है कि आपका भला करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद पावर देने के बाद भूल गया। खैर इतना ही, अब चलते हैं, मिलते हैं कल यानी 2019 में 1 जनवरी को। तब भी वीडियो आई एक साल के आखिर दिन, एक साल के पहले दिन। अच्छा होता है, मेमोरी के लिए अच्छा होता है, याद रहता है और एक अच्छा फ्लो भी होता है रोज रोज। मैं मिलते हैं कल 2019 में, साल के पहले दिन। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आज के दिन बहुत लोग इन सब चीज़ों में पकड़े जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखो। ड्रिंक एंड ड्राइव करके आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत मजा आ रही है, नशे में आप चला रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी गाड़ी कब कहाँ मुड़ जाए, आप अगले आँख खुले आपकी तो हॉस्पिटल में मिलो या फिर मिलो ना। तो अपना नहीं अपने परिवार का सोचो, नए साल में अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। अगर आपने और रही बात ये सब एयर पोल्यूशन से जो भी नुकसान हो रहा है हेल्थ का, वो तो हो ही रहा है। अब चाइना लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर बना रहा है, इंडिया लार्जेस्ट स्टैचू बना रहा है, कौन किसको समझा है। खैर मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, देखना होता है बटन में क्लिक करके देखें और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट बॉक्स में अपना भी बता सकते हो कि आपका ये साल कितनी जल्दी चला गया, कैसा चला गया और क्या क्या स्पेशल करना चाहते हो। 2019 में आप कितना डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, मैं तो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ जनवरी के आने का। और खैर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ख्याल रखना, बाय बाय। तो कल मिलते हैं जनवरी में 1 जनवरी को, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।